हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ 4.5 मीटर अनसपोर्टेड लेंथ। मतलब हमको एक रेक्टेंगुलर कॉलम डिज़ाइन करना है जिसका हमें लेंथ दिया है 4.5 जो कि अनसपोर्टेड है। फिर बोलता है रिस्टैंड इन पोजिशन एंड डायरेक्शन एट बोथ द एंड्स। मतलब आपका क्या है, ये रिस्टेन है इसके पोजिशन में और है इसका डायरेक्शन है एट बोथ एंड। मतलब ये कंडीशन आपको दिया है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको इस लेंथ को लेना है। टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन। मतलब आपको क्या करना है, ऐसा बीम डिज़ाइन करना है जो कि आपका एक्सियल लोड 1200 किलो न्यूटन बेयर कर सके। फिर है अगला, यूज़ M20 एंड Fe415। मतलब आपको कंक्रीट का ग्रेड M20 यूज़ करना है और स्टील का ग्रेड आपको Fe415 यूज़ करना है। तो आइए जितने भी क्वेश्चंस में गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख करके पहले से रखा है। तो आपको दिया है अनसपोर्टेड लेंथ यानी कि L इक्वल टू 4.5 मीटर। फिर आपको एंड कंडीशन दिया हुआ है, मतलब रिस्टैंड इन पोजीशन एंड डायरेक्शन बोला है एट बोथ द एंड। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जा रहा था और क्वेश्चन में बहुत कम ये सारी चीज़ें पूछती है। चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है तो हम आपको थोड़ा सा IS कोड लेते हुए चलते हैं। आपको IS कोड 456-2000 पेज नंबर 94 या फिर टेबल नंबर 28 में आपको जाना है। तो ये जो हमारे सामने है टेबल नंबर 28 IS कोड का 456-2000, ठीक है, ये आपका इफ़ेक्टिव लेंथ आपको दिया हुआ है कंप्रेशन मेंबर यानी कि आपका कॉलम। कॉलम क्योंकि कंप्रेशन लेता है इसलिए इसको कंप्रेशन मेंबर भी कहते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में दिया है वो जो कंडीशन है वो फर्स्ट वाला ही फुलफिल करता है, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। वहाँ पे भी यही चीज़ आपको थोड़े दूसरे शब्दों में, दूसरे लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोलता है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.5L। जितना आपको अनसपोर्टेड लेंथ दिया है उसको आप 0.5 लेना है, ठीक है। अब फिर बोलता है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.65L। तो ये आपका थ्योरेटिकल है और ये आपका रिकमेंड है, तो आपको हमेशा इंडियन स्टैंडर्ड के रिकमेंड वैल्यू को लेना है। मतलब जो एल आपको दिया है उसका 65% आपको लेना है। तो जब भी कोई कंडीशन आपको इस टाइप का आता है तो आप पेज नंबर 94 में आकर के टेबल नंबर 28 में आप जाकर के मिला सकते हैं और वहाँ से आपकी जो ये एल की वैल्यू है, एल इफेक्टिव या रिकमेंड वैल्यू जो भी है, आप वहाँ से इसको देख करके उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने IS कोड को देख लिया, उसका बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जो जो गिवन डेटा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको एक्सियल लोड दिया है P इक्वल टू 1200 किलो न्यूटन। तो ये आपका जो एक्सियल लोड है वो P है। P मतलब क्या, ये फैक्टर्ड नहीं है, ये वर्किंग लोड है। तो ये आपको जब तक फैक्टर एक्सियल लोड ना लिखा रहे तब तक आप इसको पी मानेंगे। तो जैसे आपको एक्सियल लोड ये दिया है तो इसको फैक्टर करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हम LSM मेथड पढ़ रहे हैं। फैक्टर करने के लिए हम 1.5 से इंटू करेंगे इस वैल्यू को, तो आपका हो जाएगा 1800 किलो न्यूटन। अब आपको दिया है क्वेश्चन में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, इसलिए आपका CK की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आपको दिया है ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, इसलिए आप लिखेंगे Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसलिए हम लिखेंगे इफेक्टिव लेंथ जो हमने IS कोड में देखा था पेज नंबर 94 पे टेबल नंबर 28। तो 0.65 इंटू एल, तो 0.65 आपका होगा और एल आपको कितना दिया है 4.5 मीटर। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो 2.925 मीटर, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 2.93 मीटर में। यहाँ पर हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है तो हम यहाँ पर इसेंट्रिसिटी नहीं निकालेंगे, पहले हम डायमेंशन निकाल लेते हैं या तो बी या तो डी, उसके बाद हम वहाँ से इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे जिसे हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ये लिखती हैं एक्सियल लोड आपको दे दिया है, तो आप लिख सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर एक्सियल लोड का जो फॉर्मूला है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बाई कॉलम।
तो इसका फॉर्मूला होता है पी यू इक्वल टू 0.4 इंटू एफ सी के इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब हम जानते हैं यहाँ पे ए जी इक्वल टू होता है ए सी प्लस ए एस सी। जब भी हम क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं ए जी के फॉर्म के लिए तो हम एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो है आपका 99% लेते हैं और ये एरिया ऑफ स्टील हम 1% लेते हैं। तो वह यहाँ पे भी हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं एज्यूम डिज़ाइन 1% स्टील ऑफ ग्रॉस एरिया। इसलिए ए एस सी इक्वल टू 0.01 इंटू ए जी और ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.99 ए जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1800 इंटू 10^3 क्यों, क्योंकि ये किलो न्यूटन में था, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट किए। अब आपका 0.4 इंटू एफ सी के की वैल्यू 20 इंटू ए सी की वैल्यू 0.99 इंटू ए जी प्लस आपका 0.67 इंटू एफ वाई की वैल्यू 415 इंटू 0.01 इंटू ए जी, ये आपकी जो वैल्यू है ए एस सी की वैल्यू है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए जी कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पास कोई डायमेंशन नहीं है, ए जी हम निकालेंगे। तो इसको हम कैल्सी में पुट करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं सॉल्व करके ए जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए जी की वैल्यू हो जाएगी 168216.44 mm². अब हम जानते हैं हमारा सेक्शन जो था वो रेक्टेंगुलर सेक्शन हमें क्वेश्चन में गिवेन है, तो इसलिए हम लिखते हैं सिंस द गिवेन कॉलम इज रेक्टेंगुलर शेप इन शेप। तो आपका जो ए जी का फॉर्मूला होगा रेक्टेंगुलर के लिए वो बी इंटू डी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई भी टर्म आप एज्यूम कर सकते हैं, या तो आप बी एज्यूम करें या तो आप डी एज्यूम करें। ऐसे एज्यूम करें जो कि इसके इक्वल में आता हो, इसके आसपास आता हो, इसके वैल्यू पे आता हो। जैसे कि हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं बी इक्वल टू 400 mm। तो इसलिए जब हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, ये वाला डी। तो हम जब इस डी को निकालेंगे तो हमारा ए जी हमें पता है ये है, इसमें हम बी की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो ए जी बाई बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 168216.44 upon 400। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 420.54 mm में। इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 425 mm। 425 ही हमने क्यों लिया, 400 इसको 21 भी ले सकते थे। तो 421 आपको वहाँ पे मेज़र करना फील्ड में आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसको 420 भी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इतना तो आपको लेना ही लेना है किसी भी हाल में एरिया, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा वेरी करके 425 यानी 425 mm हम इसे कर दिए। इसलिए हम लिख सकते हैं ए जी इक्वल टू होता है आपका बी इंटू डी यानी कि 400 इंटू 425। जब हम इसको फिर से इंटू करते हैं तो हमारा जो नया ए जी बनता है 1740 mm². ये हमारा नया ए जी हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मिनिमम एसेंट्रिसिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेक फोर इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे आपको दो डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी चेक करना पड़ेगा। इससे पहले के जो क्वेश्चंस होते थे वहाँ पे हमारे पास सिंगल डायमीटर होता था, अगर वो सर्कुलर है या फिर स्क्वायर होता था तो वहाँ पे आपका एक ही डायमेंशन रहता था। यहाँ पे आपका एक बी डायमेंशन और एक आपका डी डायमेंशन है, तो इन दोनों की इसेंट्रिसिटी हमें बारी बारी से चेक करनी होगी। तो पहला नंबर पे ए पे लिखते हम इन वन डायरेक्शन, किसी भी वन डायरेक्शन में हम यहाँ पे चेक करते हैं। या तो आप बी को पहले कर सकते हैं या फिर बाद में। तो ई मिनिमम की वैल्यू आपकी होगी मैक्सिमम यानी कि जो बड़ा होगा, किसमें से बड़ा होगा, एल बाई
500 प्लस डी बाई 30, और उसके बाद आपका आएगा 20 mm। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा आइए देखते हैं। तो L की वैल्यू 2.93 हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था, इफेक्टिव लेंथ वो मीटर में था, इसको हम कन्वर्ट करते हैं mm में। तो 10^3 से इंटू करते हैं अपॉन में 500 प्लस D की वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहे हैं 400 अपॉन में 30। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 19.19 mm में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दोनों में बड़ी लेनी है, तो यहाँ आपका 20 mm है और ये आपका 19.19 mm है, तो इन दोनों में बड़ी 20 है, तो इसलिए हम लिखते हैं ई मिनिमम इक्वल टू 20 mm। अब हम इस ई मिनिमम को अब हम चेक करते हैं परमिटेड इसेंट्रिसिटी से, तो हम लिखते हैं नाउ परमिटेड इसेंट्रिसिटी। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ई मिनिमम जो आपकी जो ये निकला है ये छोटा हो और बराबर हो, ठीक है, 0.05 D से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.05 D की वैल्यू हम रखेंगे 400 mm में। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 20 mm। तो देखिए ये आपका ई मिनिमम की वैल्यू भी 20 है और यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो भी 20, मतलब दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे हम, सेक्शन इज ओके। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट्स ओके या फिर सेक्शन इज ओके। अब हम लिखते हैं बी नंबर अदर डायरेक्शन का, जहाँ पे हम क्या लेंगे 425 mm 425 mm जो हमने छोड़ा है सेकंड वाला, वो अब हम यहाँ पे रख करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इन अदर डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका ई मिनिमम इक्वल टू होगा मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम, जो हमारा यहाँ पे आएगा L बाई 500 प्लस D बाई 30 या फिर 20 mm, इन दोनों में से जो मैक्स होगा जो बड़ा होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो L की वैल्यू 2.93 मीटर में है, 10^3 से इंटू करेंगे तो mm में आ जाएगा, अपॉन में 500 प्लस यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो आपकी अब होगी 425 mm अपॉन में 30। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 20.027 mm आता है और ये आपका 20 mm है और ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, मैक्स यानी ये रखेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ई मिनिमम इक्वल टू हम रखते हैं 20.027 mm में। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए परमिटेड इसेंट्रिसिटी हम चेक करते हैं, तो हम लिखते हैं ई मिनिमम का जो आपका फॉर्मूला है ये आपका छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 0.05 D से। तो यहाँ पे आपका 0.05 D की आपकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 0.05 × D की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 425 mm, यानी कि आपका ये वैल्यू हो गया 21.25 mm में। तो ये देखिए 20.027 आपका छोटा है इस वैल्यू से, यानी कि ये छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये सेक्शन क्या है, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स ओके या फिर सेक्शन इज ओके। अब हम लिखते हैं AFC यानी एरिया ऑफ स्टील, तो हम जानते हैं AG का 1% यानी कि 0.01 × AG हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इंटू कराते हैं, तो 0.01 × AG की वैल्यू 1740, ये हमें AG नया वाला लेना है जो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसीडर किया हुआ है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा ASC की 1700 mm². अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बार निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बार से पहले हम एज्यूम करेंगे डायमीटर। आपको पता होना चाहिए कॉलम के केस में इंडियन स्टैंडर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 12 mm से कम का बार आपको प्रोवाइड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, या तो 12 mm या तो फिर आपको उससे ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए एज्यूम डायमीटर 16 mm बार। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार।
अब हम नंबर ऑफ बार निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन में एक बार का एरिया। तो AST या ASC कुछ भी आप लिख लीजिए, तो 1700 अपॉन में पाई बाई 4 × 16 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8.46 नंबर्स आपके आते हैं। तो जितना आपकी वैल्यू आई है 8.46, इतना बार तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है, हम इससे कम नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको मैथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैथ के नियम के अकॉर्डिंग हम इसको 8 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है। इसलिए हमें इसको 9 लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एन इक्वल टू आपका 9 बार हो जाएगा। अब बारी आती है लेटरल टाइज का। लेटरल टाइज आपको इसको भी स्टीरअप भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका डायमीटर डिज़ाइन करेंगे और फिर उसकी हम स्पेसिंग निकालेंगे। तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहला 1/4, 1/4 हम लेंगे किसना, जितना हम मेन बार प्रोवाइड किए हैं उसके डायमीटर का, यानी 1/4 × 16 mm। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 mm आएगा। सेकेंड नंबर पे हमारा है 6 mm। तो इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो लिखते हैं इसलिए प्रोवाइड 6 mm डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है। फिर आपका अगला आता है बी नंबर पे स्पेसिंग। अब हमने यहाँ पे डायमीटर तो डिज़ाइन कर लिया, अब हम स्पेसिंग कितना रखेंगे। तो स्पेसिंग इसका जो होगा आपका, इसका 4 कंडीशन है, उसमें से जो मिनिमम होगा वो लेंगे। तो पहला है लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास 400 है और एक आपके पास 425। तो ये वाला डेटा आपका लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 400 mm, 400 mm, 48 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, यानी आपको 48 से इंटू करना है जितना आपने डायमीटर निकाला है लेटरल टाइज का। तो हमने निकाला है 6 mm में, तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो 288 mm हो जाएगा। सेकंड है आपका ये था। थर्ड आपके बाद यहाँ पे आएगा आपका, थर्ड आपका है 16 डायमीटर ऑफ मेन बार, मतलब आपको 16 टाइम्स करना है आपको। तो 16 × हमने डायमीटर 16 ही लिया है एमएम में, तो इसकी वैल्यू आपका हो जाएगा 256 mm में। फोर्थ आपका होता है इन सब के बाद 300 mm। तो इन चारों में जो मिनिमम होगी वो वैल्यू हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका 256 सबसे मिनिमम है, तो ये वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये फील्ड पर हो पाना संभव नहीं है मेज़र करना, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, 260 बना लेते हैं mm में, और हम इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया उसका ये दो लाइन में समरी होता है। लिखते हैं लेट एस प्रोवाइड, लेट एस प्रोवाइड 9 नंबर्स ऑफ बार एट द रेट 16 mm डायमीटर ऑफ मेन स्टील या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टील या बार। फिर आपको लिखना है लेट एस प्रोवाइड 6 mm, लिखना है लेट एस प्रोवाइड 6 mm स्टीरअप्स एट द रेट 260 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये आपका डिज़ाइन का पूरा कंप्लीट हो चुका, ये कंप्लीट आंसर।